एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स इज द अटर एंड एब्सोल्यूट एपथी ऑफ द आम आदमी पार्टी रूलिंग डिस्पेंसेशन इन दिल्ली, द क्रिमिनल नेग्लिजेंस ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी MCD भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डीसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूँगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 24 जुलाई, 2 दिन से लगातार वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ के स्थानीय पार्षद, वहाँ के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।